घर में सभी मालिक बनने लग जाएं। शीघ्रता से बंटवारा कीजिए, एक वर्ष की देर भी ज्यादा देर हो सकती है। आपका घर विकास में पीछे जा सकता है, बंटवारा कीजिए, थोड़ा अपने लिए भी रख लीजिए और अनाउंस कर दीजिए, जो मेरी सेवा करेगा वो मेरा हिस्सा पाएगा। अगर सब करेंगे तो सब हिस्सा पाएंगे, फिर देखिए आपको पेवर दूध की चाय मिलेगी, कभी कभी खीर पूड़ी मिलेगी, थोड़ा रुपया भी रखिए अपने पास। कभी कभी बहुओं को 10-10 हज़ार की गड्डी फेंक दो, बहुएं खुश हो जाएंगी, पूछेंगी ससुर जी के पास में लगता है बहुत खजाना भी है, तो तुम बता देना कि अभी इतना है कि गिन नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब तुम्ही लोगों को दे दूंगा। बीच बीच देते रहो ताकि सेवा के लिए उनका मन रिचार्ज होता रहे और तुम प्रसन्न होकर रहते रहो। मोह में पड़ करके सारा सब कुछ बेटे बहू को मत सौंपो। यदि आपके बेटे बहू देवता के समान है, बहू देवी के समान है, तो आपको अलग हिस्सा रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो दे दीजिए। लेकिन ये भी याद रखना, कभी कभी बेटे बहू जब तक उनको सब कुछ मिल नहीं जाता है, तब तक वे तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और जिस दिन सब कुछ उनके हाथ में आ जाता है, उस दिन तुमको हरी झंडी दिखा देते हैं कि जयराम जी की, अब जिधर जाना उधर जाइए। आदमी कब बदल जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने लिए भी रखो। और ना समान संसार है, सदैव किसी का शरीर नहीं रहेगा, फिर भी उन्नति करो और मेहनत करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी लाओ। आज जैथरा के भक्त उदय वीर सिंह दीक्षित जी नई गाड़ी स्कॉर्पियो लाए, बोले बैठिए, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ कर आया, तो उनकी धर्म पत्नी गाड़ी के पास खड़ी थी। मैंने कहा गाड़ी में जब बिठाया जाता है, नई गाड़ी में पवित्र किया जाता है, गुरु बैठते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, तो उनकी पत्नी ने कहा हम पहले से ही दक्षिणा निकाल कर रेडी हैं, बस बैठो तुरंत दे देंगे, बैठोगे नहीं तो देंगे नहीं, हम बैठे हो तुरंत दे दिया। भक्त सब संपन्न होना चाहिए, याद रखना, गरीबी स्वयं में एक समस्या होती है, दरिद्रता स्वयं में एक उलझन है, इसलिए मेहनत कर तो इतनी कर कि धन कमाने की भी हद कर दे, और सैकड़ों वर्ष की गरीबी है परिवार में तो उस गरीबी को भी तू रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी मन लगाकर भक्ति कीजिए, आपके मन में भी भक्ति प्रवेश हो जाए, आपके कर्मों में भी भक्ति का प्रभाव आना चाहिए, आपकी वाणी में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में भी भक्ति चमकनी चाहिए, और आपके धन में भी भक्ति प्रवेश करनी चाहिए, आपके अन्न में, आपके घर में, आपकी गाड़ी में भी भक्ति का स्थान होना चाहिए। जब गाड़ी से चलो, गाड़ी में प्रवचन बजना चाहिए, ये सजना बलमू के गीत नहीं बजना चाहिए, सत्संग ही बजना चाहिए। आपकी रसोई में भी भक्ति प्रवेश करना चाहिए, अंडा मुर्गा नहीं पकना चाहिए, वहाँ पर शाकाहारी भोजन ही बनना चाहिए, तो समझ लेना आपका जीवन भक्तिमय हो चुका है। अब जिधर जाओगे उधर सुख ही सुख मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। आपके भोजन में भी भक्ति का स्थान हो। कितने मत पंथ ऐसे हैं, कितने गुरु ऐसे हैं, वे कहते हैं जो खाना हो खाओ, खान पान से तो कोई मतलब ही नहीं, बस ऐसा नाम दान हम दे देंगे, एक बार वो नाम दान जप लोगे, भाव सागर तो भाव सागर है, अमेरिका भी पार कर जाओगे, आकाश में ऊपर निकल जाओगे,
उड़ना सीख जाओगे। लेकिन अंडा मुर्गा से कोई मतलब नहीं, दारू भी पियो पर हमारा ऐसा मंत्र है पार कर देगा। पर ये याद रखना, ये सब ठग लोग हैं, धूर्त लोग हैं, बेईमान लोग हैं। बिना आचरण सुधरे हुए कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता है, बिना मन को निष्काम किए हुए कोई बैतरणी नदी से पार नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, इन सब चालबाजों के चक्कर में न पड़ना। अपना खान पान सुधारिए, विचार सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, वाणी सुधारिए, चरित्र सुधारिए, कर्म सुधारिए और अपनी जिंदगी को इतना सुंदर बना लीजिए कि आपकी जिंदगी गुलाब की फूल से भी अधिक सुंदर दिखनी चाहिए। सब तरफ शांति की सुगंध उठनी चाहिए। समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम बहुत कम है। जब भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि नौका लाइए, केवट कहता है नौका नहीं लाऊंगा, चरण पखारूंगा उसके बाद नौका पर बिठाऊंगा। तो राम ने कहा, बेग यानु जल पानी पखारू, होत विलंब उतारू पारू। हे केवट, जल्दी से जल लाओ, शीघ्रता से पाई पखारो और मुझे देर हो रही है, जल्दी मुझे पार करो, मुझे जाना है। केवट हंसने लगा, क्योंकि केवट सौभाग्यशाली है। अविद्या से निकलते ही केवट को दर्शन मिल जाते हैं और केवट कहता है, प्रभु 14 वर्ष का वनवास हूं, 1 वर्ष यहीं गंगा के किनारे रहो, क्या फर्क है, 13 वर्ष आगे रह लेना, 1 वर्ष हमारे साथ रह लो, जो भी रूखा सूखा मिलेगा खिलाऊंगा, सेवा करूंगा। भक्त का दिल इतना बड़ा होता है कि आकाश भी छोटा हो सकता है। जब लॉकडाउन लगा था 1.5 महीने तक, तोनहा नाम का एक गांव था बिहार में, अररिया जिले में, वहाँ सत्संग था, वहीं लॉकडाउन लग गया, तो उसी गांव में हम रहे। 1.5 महीना तक एक ही परिवार ने पूरी सेवा किया, नाम था जयप्रकाश मेहता, राजेश मेहता, संजय मेहता, ओम प्रकाश मेहता, चारों भाई डेली आते थे, सब राशन व्यवस्था गैस सिलेंडर संभाल कर चले जाते थे। 1.5 महीने सेवा करना संत मंडली की थोड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा, अगर 1 साल का लॉकडाउन लग जाएगा तो अपनी जमीन में परमानेंट आश्रम बना दूंगा और जिंदगी भर के लिए यहीं रख लूंगा। तो हमने कहा, लॉकडाउन भी डाउन हो जाएगा और हम चले जाएंगे और तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, ओम प्रकाश मेहता। इस वर्ष पूरा परिवार दर्शन के लिए आया मलिनिया गांव में, पूर्णिया जिले में। तो बोले, न जाने क्या पुण्य हुआ जो 1.5 महीना आपकी सेवा किया मंडली की, 35 साधु की। बोले, उसके प्रभाव से बहुत बड़ा दूसरा राइस मिल लग गया है और 3 मंजिल ऊंचे 3 मकान बनकर खड़े हो रहे हैं और 4 ट्रैक्टर आ गए हैं। मुझे लगता है एक बार और लॉकडाउन लग जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारे यहीं चलो। कोई महान संत जब आपकी रोटी खाता है तो उसके 1,00,000 गुना तुम्हारे घर में विकास होता है, रोटी धोती सब बढ़ता है। ऐसा ना होता, साधु संत की सेवा करने वाले सब कंगाल हो जाते हैं। कोई कंगाल नहीं हुआ है, सब माला माल हुई है। आज हमारे पास में बहुत से भक्त दंड बलाई, ऐसा है राजीव कुमार कोंधा पहाड़पुर मैनपुरी, उन्होंने लिखा है, उनका भाव है कि जब से इस डिब्बे में 10 रुपये 50 रुपये 20 रुपये दान डालता हूँ, घर में इतनी बरकत और उन्नति और शांति हो रही है, न जाने क्या बदलाव आ गया है। वास्तव में धन तुम उसी के नाम पर दे सकते हो जिसके चरणों में तुम पहले मन दे देते हो। जब तक मन नहीं दे पाओगे
तब तक एक रुपया धन नहीं दे पाओगे, और जब मन दे दोगे तो गुरु तुम्हारे मन को निर्मल बना देगा और धन को भी धन्य कर देगा और तुम्हारी जिंदगी को बंदगी में बदल देगा, और तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब गुरु के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे और सुख बरसने लग जाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। इस डब्बे में भरा हुआ